बड़ी फनी सी स्टोरी है ये, लोगों को बड़ी हमेशा ये बड़ी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैं घर में काम चोर था, घर का काम नहीं करता था, सिर्फ स्कूल में मैं बहुत अच्छा था और स्कूल से आके सिर्फ ये होता था कि मैं क्रिकेट खेलने जाना है बस, और मेरे जिंदगी में तीसरा काम ना हो या मेरी मर्जी का खाना पकाओ बस, दाल मुझे पसंद नहीं थी तो हमेशा नहीं मतलब सब्जी वगैरह खा लेता था। तो घर में काम चल रहा था, मजदूर वगैरह लगे हुए थे, कुछ काम हो रहा था, तब अम्मी को पता था ये काम तो करता नहीं है, तो अब भाई इसके साथ लड़ेंगे क्योंकि वो साथ हेल्प करवा रहे थे। मुझे उन्होंने कहा कि तुम ना मार्केट जाके ना मुझे दही ला दो, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, मैंने ना लंच में ना इनके लिए योगर्ट वगैरह वो सैलड वगैरह बनाना सारा कुछ, सलाद वगैरह तो रायता वगैरह, मैंने कहा ओके। मैंने पैसे लिए, मैं रास्ते में जा रहा था तो मेरा कजन मुझे मिला, तो क्योंकि वहां पे हमारे गाँव में ना एक उर्स मुबारक चल रहा था, मेला चल रहा था, फेस्टिवल, टेप बॉल का पूरे पाकिस्तान से सब सुहेल तनवीर भी वो टेप बॉल का टूर्नामेंट खेलने आए हुए थे, उसी वाले की बात कर रहा हूं। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार वो लड़के आए हुए हैं, क्या कहते हैं, लाहौर से भी आए हुए हैं, पिंडी से भी आए हैं, तो हमारे तकीर भाई और जफर शाह हमारी टीम से वो खेले, उन्होंने कहा कि यार वो बैठे हुए तकीर भाई के घर में ड्राइंग रूम में बैठे हुए, तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा यार मैं दही वगैरह लेने जा रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, तो घर में सामान पहुँचाना है, लंच का टाइम है, वो कहता पैसे मुझे दे दो मैं ले जाऊंगा तुम जाओ। वो जब मैं गया उधर पहुंचा तो वो उन्होंने जब देखा, वो लड़के का नाम है बिल्ला टेनिस, पाकिस्तान में टेप बॉल में किसी का भी पूछेंगे ना उनको पता होगा कि बिल्ला टेनिस कौन है, राइट। तो वो सारे आए हुए थे, गुजरात के गुज्जर सूर्या थे, सारे जो टेप बॉल के पाकिस्तान के सबसे जो बड़े मतलब आजकल तैमूर मिर्जा है टेप बॉल के, तो उस टाइम पे वो लोग थे, 2003 की बात बता रहा हूँ। उन्होंने देखा तो उन्होंने, मुझे नहीं था पता क्या स्टोरी है, तो मैं अंदर जैसे ड्राइंग रूम में गया तो तकीर भाई और जफर शाह साहब ने कहा कि जी ये बच्चा है, बस ये मेरे कानों में आवाज है कि ये बच्चा है। तो अच्छा जी ये है, आपने 6 में 2 छक्के बोले, मैं इसको 3 से 4 मारूंगा, मतलब ये बैठ के बात होती। उन्होंने ये कहा था कि यार हमने आपको एक बच्चा दिखाना है, आपने उसको फेस करना है, हमें नहीं लगता कि वो आपको 2 छक्के भी मारने देगा। ओके ठीक है। मैं उस टाइम 7वीं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो उन्होंने कहा अच्छा चले अभी चलते, मैंने स्लीपर पहने हुए थे, शूज भी नहीं पहने हुए थे, शलवार क्लीन पहने, स्लीपर पहने, कहते सामने ग्राउंड था 10 मिनट को, कहते आ जाओ, बॉल विकते आई सारा कुछ आया, मैंने स्लीपर पहने, मैंने 6 बॉल किए उनको, एक भी छक्का नहीं लगा, छठे बॉल पे उनको मैंने यॉर्कर किया था तो उनके शूज खुल गए थे, मैंने 6 के 6 यॉर्कर किए थे। वाओ। उन्होंने कहा यार ये तो बच्चा बहुत अच्छा है अपनी एज के हिसाब से, छोटा सा बच्चा है, इसको तो आप टेप बॉल में नहीं, इसको हार्ड बॉल में लेके जाओ। अच्छा वो बात वहीं पे खत्म होगी। उन्होंने कहा भाई हम अब आप पे ट्रीट है, आप लोगों ने हमें खाना खिलाना है, आपने एक छक्का भी नहीं मारा इसको। रात को कोई 2 के 2:30 बजे हमारे घर का दरवाजा नॉक होता है, 2 बजे आई थिंक, 1:30 से 2 बजे, तो हमारे गांव के 2 लड़के थे, उमर और मनान, तो हम क्योंकि गांव में लोग गर्मियों में बाहर सैन में सोते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है, दरवाजा नॉक हुआ, हम डर गए कि रात के 1:30 बजे पता नहीं कौन आ गया। बहरहाल वो उठे हम, तो उन्होंने कहा कि हमने ना आमिर को लेके जाना, उस मुबारक हो रहा था रात को, उधर टूर्नामेंट चल रहा था, तो कुछ लोग आए हुए पिंडी से जो आमिर को देखना चाह रहे, कौन बच्चा जी जो छक्का नहीं खाता। ओके। तो अम्मी ने कहा रात के 1:30 बजे मैं अपना बच्चा नहीं भेजू। उन्होंने कहा आंटी आपको पता है हम इसी गाँव में है, हम सारे एक साथ खेलते हैं, हम लेके भी जाएंगे छोड़ के भी जाएंगे। अच्छा वहां पे मुझे ले गए, वहां भी सुहेल तनवीर वगैरह वो आए हुए थे टूर्नामेंट, सुहेल भाई वगैरह खेलने आए हुए थे। उन्होंने कहा जी कौन सा बच्चा है, साकिब भाई है पिंडी के, कहा जी ये है। मैंने वहां भी बॉल की, मुझे 1 चौका लगा पूरे ओवर में, तो उन्होंने कहा भाई ये तो इसको तो खेलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी ये बाजवा साहब की एकेडमी है, सरासी बाजवा, जो जिस क्लब से फिर मैं खेला पिंडी में है, तो हम इसको उधर छोड़ेंगे। पहले तो अम्मी 3 दिन बिल्कुल नहीं माने कि छोटा सा बच्चा गाँव से शहर में जाके कैसे रहेगा, तो हमने नहीं जाने दें। मैंने काफ़ी जिद की कि मुझे जाना है मुझे जाना है। फिर मेरे बड़े भाई ने हेल्प की कि नहीं इसका मैं देखभाल करूंगा, जाया करूंगा, मिलूंगा सारा। वहाँ पर चला गया, फिर 2003 से मेरा क्लब क्रिकेट स्टार्ट हुआ बाजवा क्रिकेट क्लब से, फिर अल्लाह ने ऐसा लेके गया कि विद इन 5 ईयर्स में पाकिस्तान खेल गया। माशाल्लाह।